क्या आपने कोई पॉपुलर रेस्टोरेंट चेन विजिट किया और ये सोचा है कि यार ये बिजनेस अगर मार्केट में लिस्टेड होता तो मैं भी इसमें जरूर इन्वेस्ट करता। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जनरली स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते हैं, पर रिसेंटली हमने देखा है कि कई SMEs स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट होने आए हैं और इनमें कुछ ऐसी भी कंपनीज होती है जिनसे हम रेगुलर लाइफ में इंटरेक्ट करते हैं, जैसे ब्राइट आउटडोर जिनका होर्डिंग्स आपने देखा होगा, या VR फिल्म्स जिनके पॉपुलर VR OTT ऐप हमको डब्ड इंग्लिश मूवीज दिखाती है, या द्रोणाचार्य जो गवर्नमेंट एंड डिफेंस फोर्सेस को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इनफैक्ट 2020 में सिर्फ 27 SME IPOs मार्केट में आए थे, बट लास्ट ईयर वी सॉ मोर देन 100 IPOs एंड दिस नंबर कुड राइज मच मोर। व्हाट इज कॉजिंग दिस मल्टी ईयर बूम इन SME IPOs? लेट्स फाइंड आउट। IPO बूम समझने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि इस ट्रेंड की शुरुआत क्यों हुई। In a developed country like Germany, SMEs contribute roughly 54% to the national GDP. And in comparison, Indian SMEs contribute 33.3%. ये इसलिए क्योंकि traditionally, Indian SMEs अपनी funding requirements के लिए banks पे depend किया करती थी। इस arrangement में वो दो major challenges face करती थी। First, limited access to capital and second, untimely availability of credit. अब अगर पैसे नहीं होंगे तो कंपनी एक्सपांड करके ग्रो कैसे करेगी, राइट? 2012 में ये एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस ने सेबी के साथ मिलकर SMEs के लिए कैपिटल मार्केट ओपन कर दिया, यानी अब SMEs पब्लिकली लिस्ट हो सकती थी। ओवर द इयर्स रेगुलेटरी बॉडीज ऑल्सो रिलैक्स द लिस्टिंग क्राइटेरिया फॉर SMEs एंड सिंप्लीफाइड द एंटायर प्रोसीजर ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर टू स्ट्रीमलाइन द लिस्टिंग प्रोसेस। Some examples are the elimination of 39,000 compliances and the decriminalization of 34,000 legal provisions in the Union Budget 23 to improve the ease of business. ये सबसे पहला फैक्टर है जिसकी वजह से SME IPOs ने ट्रैक्शन गेन करना शुरू किया। ये रेगुलेटरी रिफॉर्म ने इंडियन SME लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल दिया। कंपनीज धीरे धीरे ये समझने लगी कि अगर बैंक से लोन ना लिया जाए तो उनका डेट रिड्यूस हो जाता है, इससे उनके ऑपरेशनल कॉस्ट भी लो हो जाते हैं और बैलेंस शीट भी हेल्दी रहती है। साइमल्टेनियसली द जनरल पब्लिक ऑल्सो बिगेन टू रियलाइज दैट SME स्टॉक्स आर अवेलेबल एट अ चीपर वैल्यूएशन देन द एस्टैब्लिश्ड मार्केट लीडर्स। द मासेस ऑल्सो फिगर दैट SMEs कम विद एन अनलिमिटेड पोटेंशियल फॉर ग्रोथ एज अपोज टू द मैमथ्स हुज ग्रोथ पोटेंशियल इज लिमिटेड बाय द कॉम्पिटिशन। अब SMEs के पास एक काफी लुक्रेटिव रास्ता था, पब्लिक लिस्टिंग यानी IPO इश्यू करना। आप जानते ही है कि अगर कोई कंपनी IPO इश्यू करती है तो उसे ये अमाउंट रीपे नहीं करना होता है, बल्कि इस इन्वेस्टमेंट के बदले में वो अपने इन्वेस्टर्स को कंपनी में से एक स्टेक दे देती है। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट उतना बड़ा स्टेक, सिंपल। अगला मेजर फैक्टर है इन्वेस्टर डिमांड। इन्वेस्टर्स आर ऑलवेज ऑन अ लुकआउट फॉर बिजनेसेस विद हाई ग्रोथ पोटेंशियल एंड स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फिनटेक सेगमेंट, जिसमें न्यू एज कंपनीज ने ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम को डिसरप्ट कर दिया है। इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि वो रेवोल्यूशनरी आइडियाज और इनोवेशंस की ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बने। सच कंपनीज नॉट ओनली ऑफर रोबस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बट ऑल्सो हेल्प इन्वेस्टर्स डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियोज। SMEs आर एबल टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ दिस एज इन्वेस्टर्स आर ऑलरेडी कीन टू पंप इनफ मनी एंड सेट देम ऑन देयर पाथ टू ग्रोथ। आखिरी मेजर फैक्टर है इन्वेस्टमेंट बूस्ट इन R&D एंड मैन्युफैक्चरिंग। जैसे ही SMEs के लिए कैपिटल मार्केट्स ओपन हो गए और इन्वेस्टर्स ने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, SMEs ने अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट को एक मेजर पुश दिया। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। 2021 में तत्वा चिंतन फार्मा केम का एक IPO हुआ था। FY22 के थर्ड क्वार्टर में उसका रेवेन्यू 104 करोड़ था। FY23 के थर्ड क्वार्टर में ये रेवेन्यू 120 करोड़ टच कर गया। According to the regulatory filings of this company, it has invested in a new R&D facility, which will be commercialized by 2024. ऐसी और कई SMEs के example है जो IPO के बाद success stories बन गई है। June 2023 data indicates that 49 SME IPOs have already raised about 930 crores. It is estimated that 150 to 200 SMEs will go public this year. Superb, right? The latest data also indicates that 57 SMEs have become main board companies in 2022, which means their issue capital is at least above 10 crores.
25 करोड़ का इश्यू कैपिटल क्रॉस करते ही एसएमई कंपनीज को कंपल्सरिली मेन बोर्ड बनना पड़ता है। 2012 से अब तक 280 कंपनीज मेन बोर्ड बन चुकी है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बाद ग्रोथ भी तो बनता है ना बॉस। अब एसएमई आईपीओस तो हमने समझ लिए, चलिए अब देखते हैं कि आप एज एन इन्वेस्टर कैसे इस स्पेस में नेविगेट कर सकते हैं। एसएमई आईपीओस में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको तीन चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। फर्स्ट, कंपनी फंडामेंटल्स यानी उनका बिजनेस मॉडल, कैश जनरेशन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एक्सेट्रा। सेकेंड, कंपनी मैनेजमेंट यानी कि लीडरशिप पोजिशंस में लोगों की कैपेबिलिटीज और उनका एग्जीक्यूशन। एंड थर्ड, मार्केट सेंटिमेंट यानी कि टाइमिंग ऑफ द आईपीओ। यहां आप ये चेक करेंगे वेदर द आईपीओ वॉज वेल रिसीव्ड या फिर क्रिटिसाइज्ड है। इफ यू विश टू सब्सक्राइब टू एन SME आईपीओ, ऑल यू नीड टू डू इज लॉग इन टू योर स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म एंड नेविगेट टू द आईपीओ सेक्शन। हियर यू विल सी ऑल द ऑनगोइंग एज वेल एज अपकमिंग आईपीओस एंड इंपॉर्टेंट डिटेल्स रिगार्डिंग द सेम। यहां से आप अपनी फेवरेट कंपनी की आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हां, खुद का रिसर्च करना ना भूले। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो से समझ आ गया होगा कि इतनी SMEs क्यों IPOs इश्यू कर रही है। अगर आप चाहते हैं कि हम और ऐसे टॉपिक्स पर वीडियोस बनाएं, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।